kids? Hi, sir. Sahid saves the bank. कितने बच्चे बैंक गए हैं? सब लोग गए? बैंक में क्या होता है? पैसे जमा होते हैं, या जो हमने पैसे वहां पर जमा किए हुए होते हैं वो हम वापस भी ले सकते हैं जब हमको जरूरत होती है। साहिद वर्क्स इन ए बैंक, ही सिट्स एट द कैश काउंटर। अब देखो, जब भी हम बैंक में जाते हैं तो वहां पर एक आदमी होता है जो कि पैसे लेता है और पैसे वापस हमको देता है। तो वैसे ही साहिद भी एक आदमी है जो कि वहां पर बैंक में क्या हुआ है, बैठा हुआ है वो कैश काउंटर पे, जहां पर कि हम जहां पर कि लोगों से पैसे देते हैं और उस और पैसे वापस भी लेते हैं। व्हेनेवर देयर आर टू मेनी कॉइंस ही डजंट काउंट देम, ही जस्ट वेज देम। वो बोल रहे हैं कि जब भी उसके पास बहुत ज्यादा सिक्के हो जाते हैं तो वो क्या करता है, सिक्के गिनने की बजाय उनको क्या कर लेता है, तोल लेता है और तोल के फिर से वापस दे देता है लोगों को, और उसे पता चल जाता है कि वो उसमें एक्चुअली है कितने रुपए या पैसे। अब देखो, weighing is so much easier, the weight of a 5 rupee coin is 9 grams. सब बच्चों ने 5 रुपए का सिक्का देखा है? Yes sir. 5 रुपए का जो एक सिक्का है वो कितने ग्राम का है? 9 ग्राम का, ठीक है? Tell me the weight of a sack and I will tell you the number of coins in it. अब साहिद बोल रहा है कि आप मुझे अपना थैला दे दो और मैं आपको तोल के बता दूंगा कि इसमें कितने आपने पैसे रखे हुए हैं। अब देखो, माई बैग ऑफ 5 रुपी कॉइन्स वेज 9 kg. अब किसी आदमी ने उसको अपना पूरा एक थैला दे दिया 5 रुपये के सिक्कों से भरा हुआ। अब उसका वेट कितना था? 9 kg था, ठीक है? अब वो बोल रहे हैं, सो हाउ मेनी कॉइन्स डज इट हैव, तो वो बोल रहे हैं कि उसमें कितने सिक्के होंगे। अब देखो, एक जो सिक्का था उसका ग्राम वेट कितना है? 9 ग्राम। और टोटल कितने दिए उन्होंने उसको? 9 kg. तो पहले 9 kg को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा? केजी को हमको किसमें चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में। तो 9 केजी में कितने ग्राम होंगे? 9000 ग्राम्स होंगे, ठीक हो गया? 9000 ग्राम्स हो गए। अब वो बोल रहे हैं कि कितने सिक्के होंगे, 5 रुपए के कितने सिक्के उसमें होंगे। अब देखो, एक सिक्के का वेट कितना है? 9। तो अब 9 से हम किसको क्या कर देंगे? डिवाइड। कितने बार जाएगा? 1 0 0 0 और ये तीनों जीरो यहां पर भी उतर जाएंगे। कितना हो गया? 1000। 100 का है, तीन जीरो नहीं है, 1000। तो कितने रुपए दिए उन्होंने उसको? 1000 रुपए दिए, ठीक है? अब देखो, हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन ए सैक ऑफ 5 रुपी कॉइन्स इफ इट वेज 18 kg। अब देखो, वो बोल रहे कि अगर 18 किलो हो, वो पूरे सिक्के 18 किलो हो, तो कितने रुपए होंगे वो 5 के? देखो, पहले क्या करना पड़ेगा, इस 18 केजी को हमको क्या करना पड़ेगा, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, कितना हो जाएगा? 18000। इसमें किसका भाग देंगे अब हम? 9 का, डिवाइडेड बाय 9, जितना कितना आएगा भाई? 2000 आएगा। अब देखो, 54 केजी। अब 54 केजी में पहले ग्राम में बदलना पड़ेगा, फिर से कितना हो जाएगा? 54000। इसमें फिर किसका भाग देंगे? 9 का, कितना आएगा? 9 को भाग दो 54 में, 9 का पाड़ा पड़ो ना, 54000, 54 तक 6000। अब देखो, ये है 4500 ग्राम। इसको हमको ग्राम में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही 4500 ग्राम ही है। इसमें हम इसके लिए किसका भाग दे देंगे? 9 का, कितना आएगा? 500 ही तो आएगा, 9 5 45, जो जीरो है। अब है 2 kg and 250 kg, 250 ग्राम। अब देखो, 2 kg में कितने किलो, कितने ग्राम होंगे? 2000, और 250 उसमें जोड़ दो, 2250 डिवाइडेड बाई, कर सकते हो इसको? वैसे ही 1 kg and 125 ग्राम भी है, तो 1125 डिवाइडेड बाई कितना? 9। कर सकते हो इसको? डिवाइड करना है बस। अब देखो, अ 2 rupee coin वेज 6 ग्राम। अब 5 रुपए का जो सिक्का है वो तो 9 ग्राम का था, 2 रुपए का सिक्का कितने ग्राम का है? 6 ग्राम का। अब वो बोल रहे हैं कि व्हाट इज द वेट ऑफ अ सैक विद 2200 coins। तो वो बोल रहे हैं कि 2200 जो कॉइन्स का जो ढेर है वो कितने, उसका वेट कितना होगा? एक का वेट ये है, ठीक है? तो क्या करना पड़ेगा इससे हमको, इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा। 2200 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। करो गुणा, 0 0 12 13 13200। कितना हो गया? 13 kg and 200 g। वैसे ही 3000 कॉइंस है, तो 3000 कॉइंस को किससे गुणा करना पड़ेगा? 6 से। करो गुणा, कितना आ जाएगा? 0 0 0 और 18। तो कितने केजी हो गए?
18,000 तो ग्राम है, तो कितने किलोग्राम हो गए वो बताओ? 18,000 ग्राम में कितने किलोग्राम हो गए? सिंपल है, 1,000 ग्राम में एक किलो होते हैं, तो 18,000 में कितने होंगे? 18 18 केजी, ठीक है। इफ 101 रुपी कॉइन्स वेज 485 ग्राम, अब वो बोल रहे हैं कि 101 रुपए के सिक्के मिलके कितने ग्राम हो जाते हैं? 485 ग्राम। तो अब वो बोल रहे हैं कि हाउ मच विल 10,000 कॉइन्स वे इन केजीज इन ग्राम, तो वो बोल रहे हैं कि 10,000 कॉइन्स का वेट कितना होगा? पहले तो हमको देखो 100 का दिया हुआ है, तो एक का निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 100 से हम सबसे पहले किसमें भाग देंगे? 485 में, दो भाग, कितनी बार जाएगा? 400 आ गया, कितना बचेगा? 85। अब क्या होगा, जीरो उतरेगा यहाँ, दशमलव 8 बढ़ जाएगा, 800, फिर 50 और एक जीरो, हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी दशमलव यहाँ लगाया हुआ है। तो अब कितनी बढ़ जाएगा? 5। इसका मतलब जो 1 रुपए का सिक्का है उसका वेट कितना है? 4.85 ग्राम। 1 रुपए का सिक्के का वेट है ये। देखिए 5 रुपए के सिक्के का कितना वेट था? 9 ग्राम। 2 रुपए के सिक्के का कितना था? 6। और 1 रुपए का सिक्का का कितना आया? 4.85। अब वो बोल रहे हैं ऐसे ही 10,000 सिक्कों का निकालना है, तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, इससे क्या करना पड़ेगा? गुणा करो, गुणा इधर कर लेते हैं, 10,000 से गुणा कर लेते हैं, 4.85। मैंने तुमको बता रखा है कि जब भी बहुत सारे जीरो होते हैं, इन सब जीरो को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट उतार सकते हैं। कितने जीरो उतार लिए हमने? 4। अब 4.85 को 1 से गुणा करके कितना आएगा? उतना ही तो आएगा, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पे उतना ही आता है। तो इसको हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ये दशमलव नहीं है, तो कितना हो जाएगा ये? 485। अब दशमलव लगा लें, कितने अंक पे लगेगा? कितने अंक पे लगेगा दशमलव? यहाँ पे देखो कितने अंक पे, 1 2 1 2, इसके बाद लगा दो ये पॉइंट के बाद, अगर सिर्फ जीरो जीरो आ रहे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो कितना हो गया ये, पढ़ो जरा इसको यहाँ तक दशमलव तक, कितना हो गया ये? 48,500। इसका मतलब जो सिक्के हैं वो 10,000 सिक्के कितने ग्राम के होंगे? 48,500 ग्राम। अब इसको हम इसमें यहाँ पर भर सकते हैं, केजी कितने हो जाएंगे इसमें? 48 ग्राम 500 हो गया। समझ में आया? Yes, sir.